नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम मंजूर आलम है, प्यार से आप मुझे रिपोर्टर भैया कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 6। आज से 4-5 महीना पहले दोस्तों एक मामला बिहार में आया। यह मामला था प्यार में किए गए प्रेमी के हत्या की। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं आरती और छोटू के लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यह मामला जो है आज फिर 4-5 महीने के बाद चर्चा में है, क्योंकि जिस आरती ने कहा था कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूँगी, उसी आरती ने अपने मृत प्रेमी के बड़े भाई यानी मनु से शादी कर लिया है। दोस्तों, आरती और छोटू के लव स्टोरी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा और इस फुटेज में आप बिल्कुल साफ देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड में चल भी रहा है। ये फुटेज उस वक्त का है जब आरती जो है शादी कर लेती है और शादी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशवा न्यूज के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मिसेज बबीता मिश्रा, वो भी पहुंची होती हैं, सवाल जवाब कर रही होती हैं आरती से। उसी वक्त आरती के जो ससुर हैं उमेश यादव पीछे से जो है कि पत्रकारों को भला बुरा कहते हैं और फिर अपनी बीवी को ही मारने लगते हैं। आप बिल्कुल फुटेज में साफ देख सकते हैं किस तरह से जो उनके ससुर जी हैं उमेश यादव, वो जो है कि अपनी बीवी को मार रहे हैं। जो शख्स एक नारी का सम्मान नहीं कर रहा है, उस घर में आरती कैसे रहेगी, सवाल ये है। दोस्तों, ये वही पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिन्होंने आरती को जो है कि इंसाफ दिलाने की बात कही थी। आरती एक इकलौती गवाह है कि उसके प्रेमी को उसके घर वालों ने ही मार दिया और उसकी गवाही के बिना पर 9 लोग जो है कि नामजद हुए हैं और वो नामजद अभियुक्त जो है जेल में है। लेकिन आरती का अब शादी करना इस केस को कमजोर कर रहा है। कमजोर इसलिए कि आरती जो है कि अब बयान दे रही है कि उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने जो है कि ये कह दिया था कि छोटू की विधवा बन के रहूंगी, लेकिन अब जो है कि उसी मृत छोटू के बड़े भाई से शादी कर लिया है आरती ने। ये सब चीज़ें तो होती रहती है लाइफ में, आरती का शादी होना ना होना ये जो है कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पत्रकारों ने आरती को जो है कि इंसाफ दिलाने की बात कही थी, आज उन्हीं पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है उसके घर पे, और उसी बबीता मिश्रा को जिन्होंने जो है कि उसको बहुत सारा अटेंशन दिया था और उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कही थी, उसी बबीता मिश्रा को उसके घर में जो है कि उसके ससुर द्वारा अपमानित किया गया, सवाल ये है। तो दोस्तों, आप सभी पत्रकारों से अनुरोध है कि आरती जो है कि सही है या गलत, इस चीज़ को दिखाएं। अगर आपका जो है कि इज्जत उस घर में नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वही पत्रकार हैं जो आरती को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आज अगर आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो जो है कि आप इस न्यूज़ को कवरेज करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये रिपोर्टर भैया का सलाह है, क्योंकि सारा चीज़ जो है कि कानून व्यवस्था के ऊपर है, कानून जो है कि क्या फैसला करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन आरती आज एक आप लोगों की वजह से सेलिब्रिटी बन चुकी है। दोस्तों, बैकग्राउंड में मैं लगातार वो फुटेज दिखा रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि जिन पत्रकारों की वजह से आरती आज सेलिब्रिटी बनी हुई है, अपना यूट्यूब चैनल भी शायद चला रही हैं, ब्लॉग बनाती हैं, उन्हीं पत्रकारों का उनके घर पे किस तरह से अपमान किया गया और जो बबीता मिश्रा जो है कि उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी, उस बबीता मिश्रा को उनके ससुर ने किस तरह से अपमानित किया। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।